मेरा नाम गीता झांग बडानिया है। मैं राजस्थान में झुंझुनू ज़िले की रहने वाली हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ एंड अपने बच्चों और हस्बैंड के साथ गुड़गांव में रहती हूँ। जब मैं छोटी थी तो हमारे वहाँ लोग कहते थे कि तू के चित्र बनावा है या के चित्र बना के उखाड़ लेगी, लेकिन आज भाई लोग मन फॉलो करें और प्राउड फील करें और आपका वचन भी मोटिवेट करें। जब मैं पेंटिंग करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता। मुझे ऐसा लगता है कि बस मैं पेंटिंग ही करती जाऊँ, मुझे किसी और काम के लिए ना बोलें। पिछले 7-8 सालों से मैं बच्चों को सिखा रही हूँ। पहले मैं दूसरे घर में थी, वहाँ 2 बच्चों से मैंने क्लास स्टार्ट की थी। आज मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं, मैं उनको सिखाती हूँ। हर उम्र के बच्चे मेरे पास सीखने आते हैं, हाउसवाइफ भी आती हैं, वर्किंग वाइफ भी आती हैं, 6 साल के बच्चे भी आते हैं। वैसे पेंटिंग मुझे किसी ने सिखाया नहीं है, मैं खुद अपनी इमेजिनेशन से बनाती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ, और जब वाकई में वो चीज़ निकल के आती है तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। हम लोगों ने लगभग 5,000 से ज़्यादा पेंटिंग कर चुके हैं और अभी एग्जीबिशन में भी पार्टिसिपेट करने का है। मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है और मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊं। अगर कोई ज़रूरतमंद है और जो वाकई में पेंटिंग सीखना चाहता है, मैं उसको पूरा सपोर्ट करूंगी। मैं हमेशा कोशिश करती हूं कि जो भी वेस्ट चीज़ें हैं उनको रीयूज़ करूं। जैसे अभी एक एग्जांपल आपको दिखाती हूं, ये बिरयानी की हांडी है, इसमें मैंने पेंटिंग करके डेकोरेटिव पीस बना दिया है। जितनी भी हाउसवाइफ हैं कि उनका जो भी सपना है उस चीज़ को पूरा करें, चाहे वो आर्ट हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे कुछ भी हो। आप भी मेरी तरह घर में रहकर अपनी एक पहचान बना सकते हो, अपने पैशन को फॉलो कर सकते हो। कई बार लोग मुझे कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास तो टाइम नहीं है, हम कैसे अपने पैशन को कैसे फॉलो करें। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो, तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ना जब तक कि वो पूरी ना हो।